इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संचार विभाग की जिम्मेदारी दी है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से संचार के क्षेत्र में देखा जाए क्रांति आई है, उसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नीट की। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा अब एनटीए पर फूट रहा है। मेडिकल छात्रों ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई न कोई गड़बड़ी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए इनकार कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा। लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं, बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलोंग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, विच क्लियरली शोज, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, दैट क्लोज टू अबाउट 70 टू 80 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड इन ग्रेस मार्क्स रैंडमली टू एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स। सो आवर पिटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिटिशंस वेयर वी आर चैलेंजिंग द आर्बिट्ररी अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स टू पीपल। अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर वन, ऐसे भी हो चुका है। सो व्हाट वी हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर इशू हियर। द थिंग इज सिंस द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर द कोर्ट टुडे, द कोर्ट इज ओनली सेड आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए। सो आई थिंक बाय टुमारो द मैटर शुड बी लिस्टेड। हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड that our matter will also be taken up with the other matters and usme bhi notice issue ho jana chahiye, but the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage, so that is what the court has said. Let's see what happens. Kal hamara matter list ho jana chahiye. Thank you. इधर बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ मामले की जांच अब तेज हो गई है। जांच के लिए रायपुर से 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौके पर जांच की है। इस दौरान टीम ने एसपी कार्यालय के सामने भी जांच की। बता दें कि कल सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट में आग लगा दी थी, जिसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। वहीं शहर में धारा 144 लागू है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी मामले में सख्त कार्रवाई के